हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की रेसिपी काबली मटर की है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें जल्दी बनाना था, तो यहाँ पर मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ भिंगोने के लिए। दो घंटा पहले भिंगोई हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया था। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे आलू छील के डाल रही हूँ उसमें, के साथ उसके उबल जाएगा ये भी। और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको हम सीटी लगा लेंगे, दो तीन सीटी नहीं, चार पांच सीटी लगाएंगे। और उसके फ्राई के लिए यहाँ पे प्याज कट करके रखी हूँ, टमाटो और लहसुन। यहाँ पे डालेंगे तेल, और तेल गर्म होने तक के बाद इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने छील के रखा हुआ था, तेज़पत्ता और जीरा साथ ही में डाल देंगे। और ये जलने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। और बहुत ही अच्छा से जब वो भून जाए ना, तब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। और उसके बाद नमक के बाद भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद और सॉफ्ट हो जाए प्याज तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, जो हमने टमाटो कट करके रखा था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब टमाटो के सीजने तक का हम वेट करेंगे, एक दो मिनट और भूनेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से टमाटो भी सॉफ्ट हो गया। तब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाला, सबसे पहले धनिया, और यहाँ पे है जीरा पाउडर, यहाँ पे धनिया पाउडर, और ये है लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से मेल्ट हो जाए। और पकने तक का वेट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा से मसाला भून गया है। तब इसमें हम डाल देंगे जो हमने सिझा के रखा था ना मटर, ओ और जो आलू था छोटे छोटे, तो खुद ही वो देखिए छोटे छोटे हो गया है, क्योंकि ज़्यादा सीटी लगा है। तो ये इस तरह से बन के हो गया रेडी। अब चावल रोटी के संग सर्व कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं।